Four identical road A, B, C, D, C, F, and D, E are joined as shown in the figure. The length, cross section area, and thermal conductivity of each road are L, A, and K respectively. And A, E, and F are maintenance and temperature T1, T2, and T3 respectively. Assuming no loss of heat to the atmosphere, find temperature at B. टेम्परेचर एट बी हमें बताना है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज द फाइंड आउट. ओके, तो इसमें से क्यू वन हीट पास हो रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डी क्यू वन डिवाइड बाई डी टी, ये एल बाई टू लेंथ एल एल एल. तो हमारे पास डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए टी वन माइनस टी, यहाँ का टेम्परेचर हमने मान लिया टी है, that divide by L. dq1 divide by dt equal to क्या आ जाएगा, ka t minus t2, length कितनी हो जाएगी L by 2 और L यानी कि 3L by 2. dq2 divide by dt equal to क्या आ जाएगा, ka t minus t3 divide by में 3L by में 2. तो इस केस में डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू क्या है, डी क्यू वन डिवाइड बाई डी टी प्लस डी क्यू टू डिवाइड बाई डी टी. तो के ए टी वन माइनस टी डिवाइड बाई में एल इक्वल टू के ए टी माइनस टी टू डिवाइड बाई में थ्री एल बाई टू या टू के एल बाई थ्री एल प्लस टू के ए टी माइनस टी थ्री डिवाइड बाय में थ्री एल. एल से एल कैंसिल, के ए से के ए कैंसिल हो गया, तो टी वन माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टी माइनस टू टी टू प्लस टू टी माइनस टू टी थ्री. तो टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, दैट इज थ्री टी वन प्लस टू टी टू प्लस टू टी थ्री डिवाइड बाय में 7, दैट इज द आंसर.